नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग फोटोशॉप से। यहाँ देख सकते हैं सनूजा राणा ने कमेंट किया है कि सर 4-6 साइज फ़ोटो फास्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सनूजा राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि 4-6 साइज का फ़ोटो कैसे बनाते हैं फास्ट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी फ़ोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो वर्सन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। चाहे वो एडोबी फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्सन हो या फ़ोटोशॉप 5 हो, 6 हो, 7 हो या CS हो, जो भी फ़ोटोशॉप के वर्सन है उसमें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है, हमें फाइल में जाना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जो जिस साइज़ का आपको फ़ोटो बनाना है या जो नाम देना है, तो यहाँ पे मैं 4-6 लिख देता हूँ साइज फ़ोटो लिख दिया मैंने, इसी साइज़ का मैं बनाना है। तो नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, उसके बाद फ़िलहाल मैंने लिख दिया जिससे कि आपको पता रहे। तो 4-6 साइज फ़ोटो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट साइज है, यहाँ पे आप अपने जो आपका रिक्वायरमेंट साइज है, आप अगर नहीं है यहाँ पे तो आप कस्टम से भी देकर टाइप कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे 4-6 का साइज दिया हुआ है, यहाँ से मैंने 4-6 का साइज ले लिया। 4 इंच हाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं 6 इंच। रिजोल्यूशन 300 रखा है और यहाँ पे जो मोड है RGB रखा है। तो मिनिमम आप जब अगर नेट वगैरह में देना है तो यहाँ पे जो RGB का ये जो मोड है आप RGB रखिए। अगर नेट पे आप वेबसाइट वगैरह है तो उस पर आप RGB चूज़ कर सकते हैं मोड। और रिजोल्यूशन आप 100 के अंदर ही रखें नेट के लिए। और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रिंट आउट करना है, लैब में अगर प्रिंट करना है, फ़ोटो लैब्स वगैरह, तो RGB रखिएगा, रिजोल्यूशन 300 रखिएगा। और नॉर्मल प्रिंट करना है तो CMYK आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने RGB रखा है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट मैंने वाइट रखा है बैकग्राउंड। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए वो नाम से यहाँ पे आ गया, ऊपर नाम भी शो कर रहा है, 4-6 साइज फ़ोटो लिखा हुआ है। अब इसी साइज़ का मैं फ़ोटो बनाना है। तो जो भी फ़ोटो को आपको बनाना है, तो फ़ोटो को लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो बॉक्स है, यहाँ पे चाहे C ड्राइव, D ड्राइव, जिस जगह भी रखा है, यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक करके आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल फ़ोटो के अंदर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, तो अलग अलग साइज़ के फ़ोटोज़ हैं, उसे मैं 4-6 का फ़ोटो बना के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि ये फ़ोटो है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा, एक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका साइज़ देखिए बहुत बड़ा है। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इमेज साइज़ इसका पता कर सकते हैं कितना इमेज साइज़ है। इमेज साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट 6-8 दिखा रहा है यहाँ पे। तो इमेज साइज़ आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अब इस फ़ोटो को क्या करना है, हमें जो 4-6 का साइज़ का जो साइज़ का पेज हम लोगों ने ले रखा है, वहाँ पे इस फ़ोटो को हमें ले जाकर इस पर रखना है। तो ये फ़ोटो के ऊपर माउस पॉइंटर मैंने रखा और माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करते हुए इस फ़ोटो पे अपने लाके रख देना है। प्लस का साइन आएगा और उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग करके फ़ोटो को लाके अपने पेज में रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इस फ़ोटो को, ये जो फ़ोटो का अलग से जो विंडो खुला हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं। अब क्या है, ये जो फ़ोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है, इस फ़ोटो को हमें क्या करना है, इस साइज़ के हिसाब से इसको फिट करना है, इसी साइज़ 4-6 का। तो फ़ोटो को स्केलिंग करने के लिए क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी क्लिक करके इसे स्केलिंग कर सकते हैं फ़ोटो को। अदरवाइज़ यहाँ पे देखिएगा ये जो टूल है, टूल बॉक्स में मूव टूल, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फ़ोटो पे देखिएगा आप, उसके बाद मूव टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ऊपर देखिएगा मूव टूल का आपको प्रॉपर्टी बार शो कर रहा होगा। यहाँ एक बॉक्स आपको दिखाई देगा, शो बाउंडिंग बॉक्स, इस बॉक्स को ऑन कर दीजिएगा तो इस तरह डॉटेड लाइन आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसे रिसाइज इसका स्केलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहते हैं इक्वली, बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोटो को हम लोग स्केलिंग जब उसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा करते हैं, तो हो सकता है चेहरा थोड़ा बड़ा हो जाता है, चेहरा छोटा हो जाता है। तो बेस्ट यही है, आप इसके कॉर्नर पोर्शन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद
यहाँ पे देखिएगा आपको एक डब्लू, उसके बाद एच, इस तरह, उसके बाद एक लॉक का साइन इस तरह दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद इसे ड्रैग करके आप इस तरह बड़ा छोटा इसको इक्वली इस तरह आप एडजस्ट कर दीजिए फ़ोटो को। तो इससे क्या होगा, फ़ोटो का चेहरा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने फ़ोटो को एडजस्ट कर दिया और इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा गैप है, इसको आप यहाँ से इस तरह ड्रैग करके कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कर दिया, अब ये फिल हो गया पूरा का पूरा साइज़ के हिसाब से। उसके बाद मूव टूल पे आपको क्लिक करना है, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि फ़ोटो का कॉर्नर पोर्शन में, जो भी हम लोग फ़ोटो वगैरह बनाते हैं उसके कॉर्नर पोर्शन में अगर बॉर्डर देना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आप ये जो मेन्यू बार है एडिट में चले जाइए, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विड्थ दिया है, कितना चौड़ाई का आपको स्ट्रोक लेना है, मतलब बॉर्डर यहाँ पे नहीं देखे, स्ट्रोक दिया हुआ, ये बॉर्डर के लिए ही है स्ट्रोक। तो यहाँ पे 12 पिक्सल है, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, अगर रेड लेना है रेड ले लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे लोकेशन है, इसको इनसाइड रहने दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हल्का सा बॉर्डर आया, देखिए हल्का सा, पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा सा क्या करेंगे इसको हम लोग हल्का सा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना होगा। ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा, तो ये पता नहीं चल रहा है, तो बॉर्डर का कलर हम लोग चेंज कर देते हैं। एडिट में जाइए, उसके बाद इसको थोड़ा सा अप्लाई करना होगा, अप्लाई कर दिया, उसके बाद एडिट में जाते हैं, उसके बाद स्ट्रोक पर क्लिक किया। अब ये जो रेड कलर इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग, ब्लैक कर देते हैं, देखिएगा ब्लैक मैच करेगा, ओके कर दिया। अगर आपको लगता है नहीं बॉर्डर बहुत पतला है तो यहाँ से आप पिक्सल बढ़ा दीजिए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 18 कर देता हूँ, 18 कर दिया। उसके बाद लोकेशन इनसाइड रखा है, ओके कर देते हैं, देखिए अब यहाँ पे मोड डार्केन रखिए, ओके कर दिया। अब देखिए हल्का सा आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक रंग का बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, सुंदर सा बॉर्डर बन गया। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि फ़ोटो में देखिएगा फ़ोटो कुछ डल रहता है, अगर आपको लगता है थोड़ा डल है, पुराना टाइप का फ़ोटो है, तो उसे थोड़ा सा और अच्छा करना है, इन्हांस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ मेनू बार में जाइए और यहाँ पे इमेज में क्लिक कीजिए, एडजस्टमेंट में जाइए, उसके सब मेनू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा फ़ोटो को ब्राइटनेस, यहाँ से ब्राइटनेस का ये जो है हैंडल, इससे आप ब्राइटनेस वगैरह फ़ोटो का बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, तो फ़ोटो थोड़ा इन्हांस हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ओके कर देते हैं, ये हो गया। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा लुक और अच्छा करना है तो आप यहाँ पे इमेज, ये जो मेनू बार है इमेज में क्लिक कीजिए, उसके बाद एडजस्टमेंट में जाइए, उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए ह्यू एंड सेचुरेशन में चले क्लिक कीजिए, यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन से भी ह्यू सेचुरेशन और लाइटनेस, तो अगर ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा सा येलोनेस आएगा, यहाँ पे सेचुरेशन को भी थोड़ा बढ़ाते हैं, लाइटनेस कर दीजिएगा तो और ज़्यादा, ये देखिए थोड़ा सा इसे हैंडल को आप कम ज़्यादा करके अपने मुताबिक एडजस्ट करना होगा, ओके कर दीजिए। देखिए थोड़ा फ़ोटो ज़्यादा खूबसूरत हो गया। ये हो जाने के बाद ये दो तीन ऑप्शन आप इस्तेमाल करके फ़ोटो को और अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोटोज़ में देखिएगा चेहरा थोड़ा खुदरापन नज़र आता है, स्मूथनेस चेहरा नहीं रहता है, पूरा एकदम अच्छा होना चाहिए चेहरा, तो चेहरे को करने के लिए ये जूम टूल है, इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद चेहरे पे क्लिक कर दीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिए, ये देखिए। अब थोड़ा सा इसमें स्मूथनेस लाने के लिए आप क्या करेंगे, टूल बॉक्स में चले जाइए और ये जो टूल है ब्लर टूल, इस पर क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद ऊपर देखेंगे मेनू बार के ठीक नीचे उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो यहाँ पे ब्रश है, तो यहाँ पे आप ब्रश चूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा ये वाला 35-45, ये 45, थोड़ा सा देखिए साइड साइड में ब्लर टाइप का दिख रहा है, फेदर टाइप नुमा ब्रश आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल रहने दीजिए, उसके बाद स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो पूरा आपका तो मिनिमम आप यहाँ पे 50 के नीचे रखिए। उसके बाद हल्का हल्का इस चेहरे पे थोड़ा सा आप ड्रैग कीजिए, माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगा, जहाँ पे रफनेस है उसको आप स्मूथ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये पोर्शन में तो स्मूथ आ जाएगा, जिस जगह आपको लगता नहीं थोड़ा सा रफनेस है वहाँ पे आप थोड़ा सा इस तरह ड्रैग कीजिएगा, स्मूथ हो जाएगा चेहरा पोर्शन पे आपको स्मूथनेस आ जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा आप इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा तो चेहरे पे स्मूथनेस, अगर आपका मुहासे कील मुहासे वगैरह का चेहरे पे भी रहता है तो हल्का सा स्मूथनेस आ जाएगा। करने के बाद फाइनली ये फ़ोटो 4:6 का तैयार हो गया है। उसके बाद इसे जूम टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ऊपर देखिएगा इसका प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, प्रिंट साइज कर लीजिए, ये देखिए आ गया। अब आप इसे चाहें तो यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे विंडो को जो मैक्सिमाइज़ किया था, यहाँ पे रिस्टोर बटन यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं ये 4:6 का फ़ोटो है,
राइट क्लिक कर, हाँ ये हो गया है। अब आप यहाँ से इमेज में जाके इमेज साइज़ भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट साइज 4:6 शो कर रहा है, ये ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो आई होप 4:6 का फ़ोटो हम लोग कैसे बनाते हैं फोटोशॉप में, ये सनुजा जी आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।